अनूप शहर नगर व क्षेत्र में बसंत पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर स्थित श्री कांति प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर एवं श्री कांति प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डिलाइट पब्लिक स्कूल डिसेंट पब्लिक स्कूल क्षेत्र के गांव शेपुरी में बिलेकैस इंटरनेशनल स्कूल, जहांगीराबाद में बीके पब्लिक स्कूल जरौली गाँव के MBLK इंटर कॉलेज आदि विद्यालयों में बसंत पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में पूर्व की भांति समाज सेवी प्रभु सर्विस स्टेशन इंडियन ऑयल के संरक्षक प्रभात गर्ग ने भी बसंत पर्व धूमधाम से मनाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया। श्री राजेश शर्मा प्रधानाचार्य वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा हवन यज्ञ विद्यालय में किया विश्व शांति की कामना की। मनीष परासर प्रबंधक के नेतृत्व में मां सरस्वती की आराधना हुई। डॉक्टर रविता शर्मा प्रधानाचार्य योगेश योगाल और इसी के साथ साथ आपको बता दें तमाम लोग प्रधानाचार्य के नेतृत्व में मां सरस्वती की पूजा करके विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की पूर्ण कामना की गई। मुख्य यजमान भूषण कुंज बिहारी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी देवी रही। इस अवसर पर श्रीमती सर्विस कुमारी ब्रजेश लोहे वाले मयंक सिंघल प्रीतम सिंह सुरेंद्र शर्मा आचार्य राजकिशोर आचार्य आदि उपस्थित रहे। देखिए बुलंदशहर से संवाददाता रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता, मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी का संचार से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं श्री कांति प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अनुसार के प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार जी, जिनसे ये आज ये जानकारी करते हैं हमारे क्षेत्र में और इनके विद्यालय में महा बसंत पंचमी का पर्व बड़ा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये बसंत पंचमी पर्व है क्या, जानकारी करते हैं आप हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज विद्यालय में बसंत पर्व का, बसंत पंचमी का जो पर्व है बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बसंत पर्व क्यों मनाया जाता है? नमस्ते सर, मैं विनोद कुमार प्रधानाचार्य श्री कांति प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर मोरीगेट अनूप शहर से। बसंत पंचमी प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आगमन होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार ये सभी मानते हैं माँ सरस्वती का आज के दिन धरा पर अवतरित हुई थी और बसंत पंचमी पर चारों तरफ बसंत के आगमन से समाज में हर्षोल्लास आता है। नए नए आयाम, नए नए लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं। माँ सरस्वती की आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं और उनके जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गत वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में माँ सरस्वती के लिए हवन यज्ञ करा गया और उसके उपरांत भैया बहनों को प्रसाद वितरित किए गए थे। तो सर बच्चों के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि अब जो मौसम यह है, ना बहुत अधिक सर्दी है ना बहुत अधिक गर्मी है, आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में अपनी तैयारी करें और जो होम परीक्षा है उनकी तैयारी करें। यदि कहीं पर कोई समस्या है तो विद्यालय परिवार उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। तो सर बोर्ड परीक्षा के लिए आपने बोला, बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमने बच्चों को जो बैठाया था उसमें बताया था कि सुबह के समय 4 बजे से लेकर अपनी तैयारी करें। सुबह का समय जो अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ने के लिए होता है, याद करने के लिए होता है। इसके अलावा हमने विद्यालय से ये भी कहा है कि संडे के दिन जो है हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, अगर कोई समस्या कहीं पर आती है तो हम ऑनलाइन के द्वारा उन बच्चों की समस्याओं को सॉर्ट आउट करा सकते हैं।